अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शुगर एंड स्पाइस सूप में तवा चिकन। आइए इसके अज्जा नोट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने दही लिया है 300 ग्राम, ये देखें, और ये चाट मसाला 1 चम्मच, हरी मिर्चें कटी हुई 3 से 4 अदद, धनिया है आधी गठी कटा हुआ, और ये इस सारे मसाले हैं जो दही में हम शामिल करेंगे। ये कुटी हुई मिर्चें हैं 2 खाने के चम्मच, ये लाल मिर्चें पिसी हुई 1 खाने का चम्मच, काली मिर्चें 1 खाने का चम्मच, नमक 2 टेस्ट, ज़ीरा पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, और ये चिकन ब्रेस्ट के पीस लिए हैं ये 2 अदद हैं। इसको मैंने कट लगवा के लिए। अब मैं इसको मैंने इसको सिरके और नमक के पानी में डिप कर दिए थे 1/2 घंटे के लिए, मैंने इसको निकाले। अब मैं इसको सबसे पहले इसको फ्राई करूंगी। ये देखिए मैंने ऑयल गरम कर लिया। अब इसमें ये मैं डाल रही हूँ, इसको मैं फ्राई कर लूंगी यहाँ तक कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और ना ये अच्छी तरह गल जाए। ठीक है, अब इसको मैं हल्की आंच पे फ्राई करूंगी। दही के अंदर ये मैं सारे मसाले मिक्स कर दूंगी, सारे जो मैंने आपको बताए हैं वो। ये देखें, जीरा पाउडर, नमक, काली मिर्चें पिसी हुई, लाल मिर्चें, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सारी इसमें मिक्स कर देंगे। धनिया और इसके साथ ही 1/2 चाट मसाला हम इसमें डालेंगे और 1/2 मैं बाद में यूज़ करूँगी। ये दही का मिक्सचर बना के हम इस तरह रख देंगे, जब चिकन फ्राई हो जाएगा इसके बाद हम इसको तवे पे ना। ये देखें, ये ना मैंने फ्राई कर लिया है। इस तरह का ये फ्राई हो जाए तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ये मैंने निकाल दिया है। और अब इसमें ये दही वाला जो मैंने बनाया है मसाला, अब इसमें ये लगाऊंगी मैं। ये देखें, ये कट लगाएं, इसके अंदर अच्छी तरीके से मसाला डालेंगे। ये देखिए चारों तरफ से अच्छी तरह इस तरह मिल लेंगे हम मसाले को। ये देखिए अच्छी तरह से ये मलने के बाद हम ना ये चिकन ब्रेस्ट इसके ऊपर रख देंगे तवे, थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है तवे पे, और इसको यूं रख देंगे। ये देखिए मैंने इसमें तवे में ऑयल डाला था, ऑयल के ऊपर ये रख के मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला डाला था, और साथ साथ इसको मैं ऐसे ऐसे करती रहूंगी और इसके बीच में मसाला ये दही वाला मिक्सचर डालती रहूंगी जो बैटर बनाया है ना इस तरह, और इसको उनके आँच पकेंगे। इसके साथ ही मैं हरी मिर्चें और धनिया भी थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूंगी। मिर्चें और धनिया डाल दिए, इसको हम आगे पीछे उलट पुलट के ना ऐसे उल्टा कर देंगे। यहाँ से भी यही अमल दोहराएंगे, इसके ऊपर मसाले में दही वाला मिक्सचर डालेंगे। आँच पहले थोड़ी सी हल्की रखेंगे हम, इसके बाद थोड़ी सी तेज कर देंगे और ये इसी मसाले में ही पकेगा। ये देखिए सारा वो दही वाला मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया था, और इसको अच्छी तरह से मैंने ना फ्राई किया है थोड़े से ऑयल में और दही के साथ वो मसाले में। अब मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाला है, अब मैं इसको ये उतारने लगी। ये देखिए तवा चिकन तैयार हो गया है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और मेरी पहले रेसिपी की तरह ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।